तो गाइस आ चुका है रॉ हीरो वाइस सिटी टाउन का रखवाला। पहले हम आज जिमी से मिलने वाले हैं और जिमी हमें काफ़ी धमाकेदार मिशन देने वाला है। और जिमी के इस बात को सुनकर मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मिशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। कोई बात नहीं गाइस, जिमी ने हमें कोई लोकेशन तो नहीं बताया कि हमें वो वहाँ मिलने वाला है, फिर भी कोई बात नहीं, हमारे पास रॉ हीरो की एबिलिटी है, हम उसको दूर से ही देख लेंगे। मैं फिलहाल बिल्डिंग पर लटक लटक के आसपास अपनी नज़र दौड़ा रहा हूँ, हमें शायद जिमी तो कहीं तो दिख जाए। अभी यहाँ पर देख के मैं और एक बार अपनी नज़र दौड़ा लेता हूँ। और गाइस सामने की तरफ देखिए, जिमी रास्ते पे चल रहा है। कोई बात नहीं, हमें जिमी से जल्दी से मिल के आता हूँ। अभी पुलिस वाले भाई साहब, कार को रोक लो, वरना रो फिरो को अगर ज़रा से भी चोट आ गई तो तुम्हारे साथ बहुत बुरी सलूक होगा। हेलो जिमी भाई, कैसे हो और क्यों बुलाया? और जिमी तो काफ़ी नाराज़ दिख रहा है, आखिर क्यों नाराज़ हो रहे भैया? मैं माफ़ी मांगता हूँ, रो फिरो के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं यार, तो तुम्हारे पास नहीं आ सका टाइम पे। और जिमी कह रहा है कि तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मुझे माफ़ करो भैया। अरे जिमी इतना नाराज़ मत हो यार, तुम क्या जानो रो फिरो के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ रहती है। सो गाइस जिमी अभी भी नहीं मान रहा और कह रहा है कि तुम अभी जाओ यहाँ से, मेरा मूड काफ़ी ख़राब है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। सो गाइस अभी भी वो मोबाइल पर लगा हुआ है। अबे यार, गर्लफ्रेंड को गोली मारो और मेरी बात सुनो, आखिर कौन सा मिशन तुम देने वाले हो यार? और जिमी के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ रहा है, अगर वो मेरा दोस्त ना होता तो अभी एक दो बजा ही देता उसके ऊपर। कोई बात नहीं यार गाइस, दोस्त नाराज है तो क्या हुआ, उसको मनाना हमारा फ़र्ज़ है। फिलहाल मैं जिमी के अगल बगल में ही घूम रहा हूँ। अभी जिमी बता दे यार, क्यों इतना फुटेज खा रहा है? कोई बात नहीं गाइस, जिमी तो फिलहाल मान चुका है और इस रास्ते के साइड पर वो रुक चुका है। और पुलिस वाले अंकल को देखकर वो शायद कुछ घबरा रहा है और अपना ध्यान कुछ भटकाने के लिए सीटियाँ मार रहा है। अबे जिमी, कोई उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहा भैया, वरना बहुत बुरी तरह से पिटेगा तू। पुलिस वाले अंकल से आखिर क्यों डर रहा है इतना? सो गाइज जिमी फिलहाल अपना ध्यान भटकाना रहा है पुलिस वालों से दूर। सो गाइज अभी जिमी हमें बता रहा है कि तुम्हारे लिए एक चैलेंज है कुछ बास्केटबॉल की तरह। अबे बास्केटबॉल खेलना ऐसा कौन सा डरावना काम हो गया? सो गाइज जिमी कह रहा है कि तुम्हें बास्केटबॉल रिंग में अब की बार बॉल नहीं डालना, कार्स को डालना है। अरे यार, ये कैसा मिशन हुआ? आखिर मैं उन कार्स को उठाऊंगा कैसे? और जिमी ने बताया कि उन कार्स को तुम्हें ग्रेविटी गन से उठाना है और उस रिंग में डालना है। ओके गाइज, मिशन तो हमें पता चल गया है। अभी जल्दी से जल्दी ये वाइट कलर की कार जिसके ऊपर वो लोकेशन सेट है, जिमी ने कहा था, वो हमें जल्दी से उस लोकेशन पर ले जाएगी और हम अपना मिशन पूरा करेंगे। अरे यार, ये मेरी गलती नहीं थी, वो बाइक वाला सामने से तेज़ी से आया और उसने खुद टक्कर मार दी। अरे यार, पुलिस वाले, सारी गलती इनको रो हीरो की दिखती है, अगर रो हीरो अपने पे आ गया ना, वो पुलिस वालों के बहुत ही बुरे हाल करेगा। सो गाइज अभी आ गए हैं हम आगे। अरे यार, ये देखो, कार को टक्कर मार दी, अभी तो तुम गए भैया, देखो कितनी पागलों की तरह गाड़ी चला रही है, मेरे को टक्कर मारा, अभी मैं पीछे से तुम्हारी कार को टक्कर मारूंगा। सो गाइज जाने देते, मुझे सामने की तरफ ही हमारा मिशन का पॉइंट ही दिखाई दे रहा है, जल्दी से वहाँ पर जाते हैं और हमारा मिशन स्टार्ट कर देते। सो गाइज यहाँ पर मैं अपनी कार को रोक देता हूँ और जल्दी से उस मार्ग की तरफ चलते हैं। फिलहाल पुलिस वाले ने तो हमारा पीछा छोड़ दिया। ओके गाइस, छोड़ दिया और हम जल्दी से अब अपना मिशन को स्टार्ट करेंगे और देखते हैं जिमी ने आखिर इस मिशन पर कितना दमे। और गाइस यहाँ पर तो बास्केटबॉल का कुछ चैलेंज था और एक हेलीकॉप्टर और एक डिलीवरी वैन, इन शायद मुझे इस डिलीवरी वैन को उठाकर इस हेलीकॉप्टर पर हिट करना है। ओके गाइज, ये मिशन तो समझ में आ गया, कुछ 5 बार हिट करना है हमें। और लोकेशन देखिए गाइज, बदलती रह रही है, अभी दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। सो गाइज अभी मुझे लगता है थोड़ा मूवमेंट कर लेना चाहिए, 3 बार तो हमने हिट कर दिए। और गाइज जैसे जैसे मैं हिट कर रहा हूँ, सो गाइज लेवल काफ़ी टफ होती जा रही है, अभी लास्ट वाला काफ़ी टफ दिख रहा है, मगर कोई बात नहीं, रो हीरो के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सो गाइज इसको मैं हिट कर दिया हूँ और गाइज ये लेवल तो कंप्लीट हो चुके। अभी आया है असली मिशन, ये रही बास्केटबॉल रिंग और ये रही कार जिसको हमें ग्रेविटी गन से उठाना है और इस रिंग के अंडर डालना है जैसे बास्केटबॉल की तरह। सो गाइज एक बार तो हमने काफ़ी आसानी से पहले अटेम्प्ट में डाल दिया है, अभी ये दूसरे वाली भी चली जानी चाहिए, शायद ऊपर गई थी काफ़ी,
ओके गाय चली गई है, मगर यार एक काउंट क्यों नहीं हुई? अरे यार काउंट हो जाने दे दे, सिर्फ हमारे पास 4 मिनट में ही तो ये हमें पूरा मिशन कंप्लीट करना है। ये तो सीधा बाउंड्री के बाहर ही चली गई। कोई बात नहीं, हमें काफ़ी आराम आराम से इस मिशन को करना होगा। ज़्यादा जल्दबाजी की तो ये मिशन पूरा नहीं होने वाला है। अरे यारे लुढ़क के चली गई साइड को। कोई बात नहीं, अभी ये आराम से चली जानी चाहिए। अरे यार आगे की साइड शायद ज़्यादा ही आगे चली गई। कोई बात नहीं, सो गाइज अभी आराम से डालेंगे। अरे अभी चली जा, अभी चली जा। ओके गाइज, 2 बार जा चुकी है कार, ऐसी 9 बार शायद हमें रिंग के अंदर हिट करना है। अरे ये तो बिल्कुल फुटबॉल की तरह उछल के ग्राउंड के बाहर चली गई है। सो गाइज अभी ये जल्दी से, ये 3री बार भी जा चुकी है, अभी आ चुकी है रेड वाली कार। ये शायद ज़्यादा इजीली ना जाए, मगर गाइज पहले अटेम्प्ट में ये भी जा चुकी है। ओके गाइज ये तो पूरी गोल घूम रही है, अभी नहीं जाने वाली शायद, पूरा मोमेंट ही शिफ्ट कर दिया इसने अपनी कार का। सो गाइज अभी अभी ये जाने नहीं वाली शायद, कहीं पर टकरा के बहुत ही दूर जाने वाली है। ओके गाइज ये तो मुझे पहले ही पता था, पूरी गोल घूम चुकी थी वो, पूरा कंट्रोल ही चला गया था, ग्रेविटी गन से उसका। अभी ये भी चली जाए यार, जितना ज़्यादा ये आसान लगता है गाइज उतना आसान है नहीं ये मिशन। काफ़ी संभल कर और काफ़ी जजमेंट से हमें उस कार को उस रिंग के आर पार पहुंचाने का है। सो गाइज इसको अभी उठा लेता हूँ, अभी चली जानी चाहिए शायद। ओके गाइज ऊपर गई थी काफ़ी, मगर कोई बात नहीं, मोमेंटम से बिल्कुल नीचे की तरफ आई। अरे यार ये लुढ़क के फिर से बाहर चली गई। ओके गाइज सिर्फ अभी 4 बारह में और अंदर पहुंचाने का है, मगर सिर्फ अभी 1 मिनट बाकी है। क्या बोलते हैं पब्लिक, होगा या नहीं ये मिशन? सो गाइज अभी भी हमारे पास 1 मिनट बचा है और कार 4 बार और रिंग के अंदर पहुंचानी है। सो गाइज अभी तो चली जानी चाहिए। ओके गाइज 6 बार हो चुका है, अभी आ चुकी है टैक्सी, आ चुकी है और लोकेशन देखिए गाइस फिर से चेंज हो चुकी है दाएं से बाएं, इसी वजह से थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। 2 बार और चली जाओ प्लीज़ प्लीज़। ओके गाइस, अरे यार टैक्सी का मोमेंटम बहुत ही अच्छा है गाइस, बिल्कुल सही तरीके से जा रही है और हम सही जगह पे खड़े हैं। बिल्कुल एक ही पोजीशन से मैंने उन 4 बार टैक्सी को डाल दिया है और इस मिशन के हमें $5,000 मिले, काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिला हमें। और गाइज ये मुझे लगता है लास्ट मिशन है शायद, ये टफ होगा और इसको करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। 3 बार तो मैंने काफ़ी अच्छे से हिट कर दिया हेलीकॉप्टर को। अभी यार थोड़ा लोकेशन चेंज कर लेते हैं हम अपना। सो गाइज अभी, अरे यार रहते रहते रहेगा, थोड़ा सा ही बाकी है, अभी सिर्फ अच्छी तरह से सेटअप किया है और कंप्लीट गाइज। 3 बार तो हमने हेलीकॉप्टर हिट कर दिया है और सिर्फ, और शायद इन कार हमें कितने डालने होंगे, कोई बात नहीं इसको भी हमने डाल देना है। ओके 1 बार, 4 बार तो हमने डाल दिया है। और गाइज इस मिशन को करते करते रात से हमको सुबह हो गई, फिर भी यह मिशन फिर भी कंटिन्यू हो रहा है। वाइस सिटी टाउन में और दिन और रात काफ़ी जल्दी बीत जाते हैं और 5 बार हमने उस रिंग के अंदर पहुंचा दिया है, मगर समय बहुत कम है, बिल्कुल कुछ 17 सेकंड ही बचे अब। और गाइज 6 डालनी है शायद, ये मिशन हमारा इनकम्प्लीट ही रह जाएगा। सो गाइज, और यार ये तो सामने इंसान खड़े और इंसान को शायद कार को हिट करना है। ओके गाइज, ओ ऐसे ऐसे ही अगर 2-3 और मिल गए तो ये मिशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। नहीं यार, ओके गाइज हम फिर से स्टार्ट करेंगे, अभी हमने काफ़ी अच्छा टाइम कवर किया है पिछली बार के से। और गाइज ये फिर यही लेवल पर हमने पिछली बार आए थे, मगर कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कुछ टाइम शॉर्ट पड़ गया था। सो गाइज अभी ये मिशन तो काफ़ी आसान है, वो कार्स का ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बास्केटबॉल रिंग की तरह जिमी ने कुछ भी बोलो काफ़ी अच्छा मिशन दिया है, इसी वजह से हमारा थोड़ा टाइम पास भी हो गया। ओके गाइज अभी ये लास्ट वाला बचा है और कुछ अलग अलग डायरेक्शन पे खड़े हैं गाइज, हमें कुछ, कोई बात नहीं ये तुम्हें सेंटर में डाली, एक तरफ के गए सामने के इंसान और यहाँ पर कुछ खड़े हैं। अभी गाइज ये काफ़ी टफ जाएगा, मगर ये भी आउट हो चुके, अभी तो मिशन हो जाएगा, कुछ 1 मिनट का समय बाकी है और मैं ये काफ़ी दिक्कतें दे रहा है यार। मैं हमें मिशन जोन की ओर वापस लौटना होगा, मगर ये तो काफ़ी टाइम दे जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ अभी लास्ट वाला है, कुछ 20 ही सेकंड बाकी है, प्लीज़ हो जा यार, हो जा हो जा, मुझे काफ़ी अच्छे से खेलना होगा। शिट भाई, अरे यार एक मर चुका है, 3 खड़े, मगर एक कार क्यों नहीं आ रही? अरे यार कार वहीं पर है, मुझे वहाँ पर ही, वहाँ से खींच लेना होगा, अभी कार वहाँ पर ही है। सो गाइज
मैंने काफ़ी देर कर दी, अभी शायद ये नहीं जाने वाली। शिट यार, बाल बाल बचे, अभी इसको उठा लेते, इसको उठा लेते, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। येलो येलो लियोर सिट, कोई बात नहीं, दोबारा खेलेंगे, अब की बार तो हो जाना चाहिए 8 बार। ओके गाइज, अभी लास्ट है। अभी हम क्या करेंगे, इस दाई साइड वाली साइड के इंसानों को पहले हम नॉकआउट कर देंगे, बाद में ये दोनों तो काफ़ी इजी है, ये काफ़ी टफ है, क्योंकि कार को उठाकर दोबारा से ले जाओ। मगर गाइज हमारे अभी हमारा मिशन कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता, लगभग 1.5 मिनट का टाइम बाकी है, और सिर्फ हमें इन आसानी से इन सभी आदमी को नॉकआउट करने का है। और अभी 2 कैसे बच गए यार, कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी कार को पिक करना होगा ग्रेविटी गन से, और ये मैंने छोड़ा। अभी गाइड एक साइड ही बचे सिर्फ बाई तरफ के, और हमारा मिशन शायद कंप्लीट होने वाला है। ओके गाइज, तो जिमी ने दिया हुआ मिशन रोफिरो को काफ़ी पसंद आया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले गेम प्ले वीडियो में, टाटा बाय बाय, सायोनारा।